महाराष्ट्र के अमरावती में लगातार दूसरे दिन हिंसा के बाद शहर में कर्फ्यू लगा दिया गया है। इससे पहले शनिवार सुबह अमरावती के राजकमल चौक और गांधी चौक पर हजारों की संख्या में लोग सड़कों पर उतर आए थे। बता दें, इसमें से कुछ लोगों ने पुलिस कर्मियों पर भी पथराव किया। जवाब में पुलिस ने भी लाठीचार्ज किया, इसमें कई लोग घायल हो गए। हालात को देखते हुए पहले चार दिनों के लिए धारा 144 लगा दी गई है और उसके बाद कर्फ्यू लगा दिया गया। किसी भी अफवाह को रोकने के लिए इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है। अमरावती में शुक्रवार और शनिवार को हुई हिंसा के मामले में पुलिस ने 20 FIR दर्ज की है, वहीं 20 लोगों को गिरफ्तार किया गया। गृह मंत्री दिलीप वलसे पाटिल ने कहा कि अमरावती को छोड़कर पूरे राज्य में शांति है। हम स्थानीय लोगों से अपील करते हैं कि लोग शांति बनाए रखें। समाज में दरार पैदा करने वालों पर कार्यवाही होगी और अगर कोई भड़काएगा तो उसके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। महाराष्ट्र के DGP संजय पांडे ने कहा कि स्थिति हमारे नियंत्रण में है, कानून व्यवस्था बनाए रखना हमारी जिम्मेदारी है। हमें उम्मीद है कि ऐसी कोई स्थिति नहीं आएगी जिसमें हमें बल प्रयोग करना पड़े। लोगों से कानून व्यवस्था को बिगाड़ने वाली गतिविधियों में शामिल न होने की अपील की गई है।